पिछले वीडियो में आप लोगों ने छंद भाग एक पढ़ा। छंद भाग एक में आप सभी ने छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार कौन से हैं, छंद में वर्ण मात्रा क्या होती है, उसके नियम क्या हैं, मात्रा के नियम क्या हैं, इन सभी को पढ़ा। अब हम आपको छंद भाग दो में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया आदि छंदों के बारे में बताएंगे। चौपाई किसे कहते हैं, इसके क्या उदाहरण हैं, दोहा किसे कहते हैं, उसके क्या उदाहरण हैं, इसमें मात्रा कैसे लगाएं, ये सभी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वीडियो को देखें, लाइक करें और अपना कमेंट लिखें। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं चौपाई छंद। चौपाई छंद चार चरणों का छंद है, यह सम चरणों वाला है, इसके सभी चरण समान होते हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं, चौपाई चार चरणों का सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में सोलह सोलह मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग निषिद्ध है। इस परिभाषा को याद करने के लिए हमने एक नया तरीका याद किया है, जिसमें लक्षण और उदाहरण एक साथ जान सकते हैं। तो यह नया तरीका है। छंद विचारा सोलह मात्रा बारह बारह अंत गुरु दो तो सुख जानो लक्षण या चौपाई जानो। इस आधार पर ये लक्षण और उदाहरण दोनों में काम करेगा। अब हम इस पर उपर्युक्त लक्षण को भी दर्शा सकते हैं। मात्रा लगाएं तो च और अ की मात्रा होने से यह दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर की गुर मात्रा होती है, और गुर को हम वक्र रेखा से लिखते हैं। र ह्रस्व स्वर में है, इसे खड़ी पाई से
इस तरह लिखेंगे। यहां पर तीनों ह्रस्व स्वर है और तीनों को हम खड़ी पाई के रूप में लिखेंगे। ये दीर्घ स्वर का वर्ण है तो यह गुरु लिखेंगे और इस पर संयुक्ताक्षर है तो संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण दीर्घ माना जाता है इसलिए इस वर्ण को हम गुरु लिखेंगे और ये ह्रस्व है इसलिए इसको खड़ी पाई यानी लघु लिखेंगे। ये भी लघु है और ये दोनों गुरु है। अब इस पर मात्रा को गिने तो दो एक तीन और तीन छह, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह, एक बारह और चार सोलह मात्रा है। पहला चरण सोलह मात्राओं का हो गया। दूसरे में देखें दीर्घ स्वर है तो गुरु मात्रा, ह्रस्व स्वर है तो लघु मात्रा। यहां भी दीर्घ स्वर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण है इसलिए यह गुरु होगा। ये दीर्घ स्वर है यह भी गुरु होगा। यहां पर दीर्घ स्वर है तो गुरु, ये ह्रस्व स्वर है तो लघु। यहां भी उच्चारण से लघु ही होगा और ये दोनों गुरु होंगे। मात्राएं गिने तो दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, दो बारह, चार सोलह मात्रा है। यहां देखें ये संयुक्ताक्षर है तो संयुक्ताक्षर के पूर्व का दीर्घ मानते हैं इसलिए दीर्घ को गुरु लिखेंगे और ये ह्रस्व है इसलिए लघु। ये भी लघु, ये गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु और ये दोनों लघु, ये दोनों गुरु। गिने दो एक तीन, एक चार, दो छह, दो आठ, दो दस, दो बारह और चार सोलह मात्रा। ये संयुक्त अक्षर है इसके पूर्व का वर्ण दीर्घ होगा और इसको गुरु लिखेंगे। ये ह्रस्व स्वर है इसलिए लघु लघु, ये भी लघु, ये दोनों दीर्घ हैं, तीनों दीर्घ हैं इसलिए गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु। गिने दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो सो चौदह, दो सोलह मात्र। इस तरह यह चौपाई छंद का लक्षण भी हुआ और उदाहरण भी हो गया। तो जो बच्चे रटने से डरते हैं वह इस चौपाई को ही लक्षण में भी लिख सकते हैं और मात्रा लगाकर लिख सकते हैं कि उपर्युक्त उदाहरण चौपाई छंद का लक्षण है। इसको स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं नीचे उपर्युक्त उदाहरण में चार चरण एवं प्रत्येक चरण में सोलह सोलह मात्राएं हैं इसलिए यह चौपाई छंद है। इसे आप दोहे के उदाहरण में भी लिख सकते हैं और चाहे तो लक्षण और परिभाषा में भी लिख सकते हैं। अब यहां बात हुई अंत में जगड़ और तगड़। तो जगड़ और तगड़ क्या है इसके लिए एक सूत्र आता है यमाता राज भानस लगा। ये सूत्र है और इस सूत्र से तीन तीन वर्णों के क्रम को लेकर गण बनाए गए हैं और पहले अक्षर के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। जैसे पहला वर्ण लिया यमाता, यमाता का अर्थ हुआ इस पर मात्रा लगाएं तो एक लघु दो गुरु और पहला अक्षर है या और उसमें जोड़ दिया गया गण तो ये बना यगण। यगण का अर्थ हुआ तीन वर्ण हो जिनमें एक लघु और दो गुरु हो। जैसे कमानी, दूसरा है मातारा। तो मातारा में मां को ले लिया और गण जोड़ दिया मगण। मगण का अर्थ हुआ तीन वर्ण हो और तीनों गुरु हो।
उसके बाद पानी तो बना तगड़, तगड़ का अर्थ हुआ ताराज, यानी कि माता। और उसके बाद ताराज, तो ताराज का हुआ दो गुरु एक लव। और उसके बाद राकोलिया रगड़, रगड़ का अर्थ हुआ एक गुर एक लग एक गुर, इसको कह सकते हैं राजभा। फिर जाकोलिया जगड़, और इसको कह सकते हैं एक लग एक गुर एक लग जवान। उसके बाद भगड़, भगड़ का मतलब एक गुर दो लग भानस। नगर तीनों लग नसल। और उसके बाद सगण, दो लग एक गुर। इस तरह ये आठ गण बने। तो आठों गण ये इस सूत्र से स्पष्ट हैं। अब यहां से हम तीन तीन के क्रम से वर्ण बनाते हैं, चाहे तो इसको कमाल की जगह यमाता भी लिख सकते हैं। तो यहां दिया गया है कि अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग निषिद्ध है, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं आना चाहिए। तो जगड़ का अर्थ हुआ एक लघ एक गुर एक लघ, और तगड़ का अर्थ हुआ दो गुर और एक लघ। तो अंत में हम तीन का गण बनाते हैं। तो तीन का गण यहां बनता है मगड़, जहां पर ना तो जगड़ है और ना ही तगड़ है, तो अंत में ये दोनों नहीं आते हैं। इस तरह ये चौपाई छंद सिद्ध हुआ। तो आप चौपाई को आसानी से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण और प्रैक्टिस में बताते हैं, देखते चलें। अगली चौपाई है लता ओट। तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देख रूप लोचन ललचाने हर से जन निज निधि पहचाने। तो आई मात्रा लगाएं, ये ह्रस्व स्वर है इसलिए इसकी लघ मात्रा, ये दीर्घ स्वर से युक्त है इसलिए गुरु मात्रा, इसकी भी गुरु, ये लघ, ये दोनों लघ। ये संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण है इसलिए यह गुरु होगा, ये लघ, ये भी लघ, ये गुरु है दोनों। यह संयुक्त अक्षर से पूर्व कोई वर्ण नहीं है इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। ये स्वर दीर्घ है इसलिए इसकी मात्रा गुरु, ये दोनों ह्रस्व स्वर से युक्त है इसलिए लघ। यह भी गुरु लघ लघ गुरु लघ लघ गुरु और गुरु।
गुरु लघु 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 लघु
तीन, दो पाँच, एक छः, दो आठ, एक नौ, दो ग्यारह, एक बारह, एक तेरह और चार सत्रह, यहाँ ज़्यादा हुए तो कहाँ कम करेंगे, यही पर मात्राएं कम होंगी क्योंकि इसका उच्चारण जल्दी से किया जाता है। तो तीन, तीन छः, दो आठ, चार बारह, चार सोलह मात्राएं हो गई। यहाँ चार, तीन सात, तीन दस, दो बारह, चार सोलह मात्राएं, तीन तीन छः, चार दस, दो बारह, चार सोलह मात्राएं और चार दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, चार सोलह मात्राएं। अंत में जगण तरण का निषेध, तो उपर्युक्त छंद चौपाई छंद का उदाहरण है। इस तरह आप किसी भी उदाहरण में मात्रा लगा सकते हैं, लक्षण को पहचान सकते हैं। तो ये हुआ आपका चौपाई छंद। अब हम आपको दोहा छंद के बारे में बताने वाले हैं या बता रहे हैं, तो थोड़ी देर विश्राम के बाद तब तक आप रिवीजन करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं लक्षण, दोहा का लक्षण। दोहा का लक्षण है दोहा छंद चार चरणों का अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में तेरह तेरह मात्राएं एवं या तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं। अंत में गुरुलघु का संयोग होता है। विषम चरण, विषम चरण के आदि में जगण नहीं होता है। यह निषेध माना जाता है और इसी लक्षण को हम उदाहरण में सिद्ध करते हैं। तो उदाहरण है लसत मंजुमन, लसत मंजु मुनि मंडली, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद,
ज्ञान सभा तन जन धरे भगत सच्चिदानंद मात्रा लगाकर अब इसको स्पष्ट करेंगे कि कैसे इसमें दोहा छंद है। तो सबसे छंद को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हम मात्रा लगाते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं को गिनते हैं और वर्णित छंद में वर्णों का क्रम वर्णों को गिनते हैं। वर्णों को गिनने के बाद वर्णों के क्रम को निर्धारित करते हैं, तब जाकर हम छंद का नामकरण करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम मात्रा लगाएंगे। तो सभी स्वर इसमें ह्रस्व है, इसलिए सभी वर्णों की मात्रा लघु होगी। यहां अनुस्वार युक्त वर्ण है, इसलिए इसकी मात्रा गुरु होगी और इसकी लघु होगी। ये दोनों लघु होगी, यहां भी गुरु होगी, ये लघु ये गुरु। अब गिने, हो सकता है यहां पर ह्रस्व हो, तो 3, 3, 6, 2, 8 और 5, 13 मात्राएं हो गई। प्रथम चरण में 13 मात्राएं हो गई। दूसरा चरण देखें, ये संयुक्त अक्षर है, इसके पूर्व का वर्ण ह्रस्व होकर भी दीर्घ माना जाता है, इसलिए इसकी मात्रा गुरु होगी और ये लघु होगी। ये गुरु होगी और ये लघु होगी, यहां भी दोनों लघु होंगे। ये अनुस्वार युक्त वर्ण है, इसलिए इसकी मात्रा गुरु होगी और ये लघु होगा। देखें 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11 मात्राएं। ये संयुक्त अक्षर है लेकिन इसके पूर्व कोई वर्ण नहीं है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। यहां पर स्वर दीर्घ है, इसलिए मात्रा गुरु होगी। ये लघु होगा, ये लघु होगा, ये गुरु होगा, ये दोनों लघु होंगे, ये भी लघु होंगे, ये लघु और ये गुरु होंगे। 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13 मात्राएं। यहां तीनों स्वर ह्रस्व है इसलिए लघु। ये संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण है इसलिए गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये अनुस्वार युक्त है इसलिए गुरु और ये लघु। 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11 मात्राएं। अब हम अगर इसका चरणों का नामकरण करें तो ये पहला चरण हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा चरण हो गया। लक्षण के आधार पर हम देखें तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, तो पहले में 13 मात्राएं हो गई, तीसरे में 13 मात्राएं हो गई। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, तो ये हो गया दूसरा चरण, इसमें भी 11 मात्राएं। ये हो गया चौथा चरण, इसमें भी 11 मात्राएं। अब कह रहा है अंत में गुरु लघु का संयोग, तो अंत में गुरु लघु यही है, गुरु लघु का संयोग हो गया, यहां भी गुरु लघु का संयोग हो गया। अब कह रहे हैं कि विषम चरण के आदि में जगण नहीं होता है, तो विषम चरण ये हुआ 1 और 3, इसके आदि में जगण, जगणकार, जभान, जभान का मतलब लघु, गुरु लघु का संयोग नहीं होता, तो ये हुआ। संयोग तो यहां संयोग बनता है नगर का और यहां संयोग बनता है भानस का यानी भगड़ का। तो अंत विषम चरणों के आदि में जगण नहीं है, अंत में गुरु लघु का संयोग है। पहले चरण में, तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं उपर्युक्त छंद में, उपर्युक्त पंक्ति में या छंद में, उपर्युक्त पंक्ति लिखे तो ज्यादा उचित होगा, उपर्युक्त पंक्ति में दोहा छंद है। इस तरह ये हुआ
दोहा छंद का लक्षण, उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण। दोहा छंद को हम सार्थक में संक्षिप्त में भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें लक्षण उदाहरण एक साथ होते हैं। यह निर्माण मैंने अपने प्रयास से, अपने स्तर से किया है। बच्चे से लक्षण और उदाहरण में दोनों में लिख सकते हैं, लक्षण एवं उदाहरण, इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो देखें, 13 मात्रा विषम में, 13 मात्रा विषम में ग्यारह दो और चार, ये हुआ पहला और दूसरा चरण। चार चरण का अर्धविषम दोहा छंद विचार, इस पर आप मात्रा लगाएं। गिने दो दो चार चार आठ तीन ग्यारह दो 13 मात्रा। यहां भी गुर लघु लघु गुर लघु लघु गुर और लघु, चार चार आठ तीन 11 मात्राएं। गुर लघु 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 गुर लघु लघु, तीन तीन छह तीन नौ चार 13 मात्राएं। दो दो चार दो छह एक सात एक आठ और तीन 11 मात्राएं। इस तरह आप इसे लक्षण और उदाहरण दोनों में लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका दोहा छंद। अब इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में सोरठा, कुंडलिया और रोला छंद के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।